ग्रेजुएशन ते पोस्ट ग्रेजुएशन दे विद्यार्थी जिन्हां ने सिक्स्थ सैम विच अपीयर होना सी जदों बीएड एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो चुका सी ते ओह किसी इसी कारण करके कि उन्हां दा रिजल्ट लेट आया होएगा जां हजे भी वेट कर रहे होंगे वो अपने मार्क्स कदों फिल कर सकते ने वो जिहड़े हन 9 अगस्त 2023 तो 20 अगस्त 2023 संडे तक अपने एग्जाम दे जिहड़े ने आए मार्क्स वो फिल कर सकते ने। ऑनलाइन अपडेशन ऑफ ओनली क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स बाय कैंडिडेट फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड देयर मार्क्स अर्लीयर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो कई का रिजल्ट इस तो भी लेट रहा है तो घबराने की लड़ नहीं है। सैकेंड काउंसलिंग है उन्होंने ऑप्शन ओपरचुनिटी तो टाइम हर हालत मिलेगा लेकिन मेरे ख्याल से इस तो ज़्यादा लेट नहीं होएगा। एक डेडलाइन है जिहड़ी वो अगली वीडियो डिस्कस कर लेंगे। सो घबराने की लड़ नहीं है जे थोड़े सिक्स सैम का रिजल्ट लेट आया है तो 9 to 20 दे विच वेट करके अपने पोर्टल ओपन करके अपने मार्क्स फिल करते हैं। जो तुम मार्क्स फिल करोगे तो एक गल का ध्यान रखना है कि थोड़ा होर कोई गलती तो नहीं रह गई। जेकर कोई गलती है तो उसो ही तुम रैक्टीफाई कर सकते हो, अदरवाइज चांस दिते जाएंगे अगे जाके। एक दिन दिता जाएगा जिस दिन तुम अपनी रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसी ऑनलाइन थ्रू ईमेल ओनली है। अच्छा तुम सीधी नहीं कर सकते, ठीक है, ईमेल के जरिए है। लेकिन इतने तुम अपनी जो कोई करैक्शन होंगी है ऑप्शन मिलती है कोई रूरल एरिया फिल हो गया जां मार्क्स कोई पिछले गलत फिल किए गए तो तुम रिजर्व कैटेगरी जो है वो गलत फिल हो गई, तो जे ये ऑप्शन ठीक होंगी हुई तो कर लेना। थैंक यू।